गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम गुन्नत चौहान. हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. टूडे वी विल डू चैप्टर 5, एनिमल अल्फाबेट्स. आज हम EVS का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल अल्फाबेट्स. ठीक है, बिफोर वी बिगन लुक एट दिस पिक्चर. आपको ये एक पिक्चर दिख रही है, नेम द एनिमल्स डैट यू कैन सी. अब आपको ये एनिमल जो आपने एनिमल्स देखे हैं उनके नाम बताने हैं. आर दिस एनिमल्स ऑफ द सेम साइज? क्या ये सभी एनिमल सेम साइज के, एक ही साइज के हैं? विच इज द स्मॉलेस्ट? कौन सा छोटा है? विच इज द बिगेस्ट? कौन सा बड़ा है? ये अपने मम्मी पापा से आप चर्चा कीजिएगा. द एनिमल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. लेट अस फाइंड आउट ऑल अबाउट एनिमल्स फ्रॉम ए टू जेड. अब जो एनिमल का विश्व होता है वो तरह तरह के एनिमल से मिलकर बनता है. आज हम इस चैप्टर में ए टू जेड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे. हैव यू एवर सीन एन आर्मेंडिलो? ओ से अनसीन ए लायन और एंटीलोप्स एट प्ले. बीटल्स क्रॉलिंग एंड बम्बल बीज बजिंग. बटरफ्लाइज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर फ्लाइंग. Crocodile with scaly skin and pointy teeth. Camel with its hump and big wide feet. Dragonfly flits and drogo keeps watch. Ducks paddle in water and dolphins leap up. क्या तुमने कभी एक अल्मेंडिलो देखा है? चींटियां एक लाइन में चलती है खेलते हुए, एंटीलोप्स, बीटल्स रेंगते हुए भिन भिनाते हुए, बम्बल बिल्स, बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर उड़ते हुए, खुरदिली त्वचा और नुकीले दांतों वाला मगरमच्छ, ऊंट अपने कुब्बड़ और बड़े चौड़े पैरों के साथ, ड्रैगन फ्लू उड़ता हुआ और ड्रोगो देखता रहता है, बदक पानी में चप्पू और डॉल्फिन छलांग लगाते हैं. एलिफेंट बिग विथ ट्रंक एंड टेल क्वाइट क्रॉपी. ईल्स सो स्लीपी दैट स्विम इन द सी. Frogs that go croak croak in the night. Fish swimming are a beautiful sight. Giraffe's neck is so long. Grasshoppers jump and leap spring sprung. Hippos are happy to soak in a pool. Hornbills like to nest in a tree hole. Cool. बड़े होते हैं. With soon और टेल के साथ इल्स जो रहती है वो बहुत फिसलन स्लीपी रहती है, समुद्र में तैरती है. फ्रॉग जो रहते हैं वो रात में क्रॉक क्रॉक करते हैं. और फिश जो रहती है वो तैरती है. उनको देखना बहुत एक अच्छा ब्यूटीफुल साइट रहता है, दृश्य रहता है. जिराफ का जो नेक रहता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है. ग्रॉस हॉपर जो रहते हैं टिड्डी वो कूदती है, जंप करती है. ठीक है, हिप्पोस जो रहते हैं वो पूल में जब बैठे रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं वो. और हॉर्नबिल्स जो है वो ट्री के इसमें अपना घोंसला बनाती है, ट्री के होल में अपना एक घोंसला बनाती है और उसे वो बहुत पसंद है. इंसेक्ट्स ऑफ ऑल काइंड क्रीप क्रॉल और फ्लटर बाय. इंडियन रॉबिन इज अ बर्ड विथ अ सॉन्ग एंड कैन फ्लाई. जम्पिंग जेबल्स इन द डेजर्ट आर फाउंड. Jackals in grasslands abound. Kangaroos go leap, jump and hop. Kites in the sky circle non-stop. Lion and leopards less around all day. Lizards less too, but on the wall they stay. सभी प्रकार के कीड़े रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं. इंडियन रॉबिन एक गीत के साथ एक पक्षी है और वो उड़ भी सकता है. रेगिस्तान में कूदने वाला जेरबिल्स मिल जाते हैं. घास में के मैदानों में सियार, कंगारू छलांग और कूदते हुए. आकाश में चील बिना रुके हुए घूमते हुए. शेर तेंदुए भी पूरा दिन जो है वो आलस करते हैं. लिजार्ड्स मतलब छिपकली भी आलस करती है लेकिन वे दीवार पर रहती है. मंकीज मच ग्रेटली. मॉस्किटोज हम मैरिली. म्यांस एंड मुनीस क्रीप एंड चैटर नॉइजली. नीलगाइज इन द फील्ड ईट ग्रीडली. नाइटजार्स ऑन इट्स नेस्ट इज हार्ड टू सी.
owls go to hoot in the night, ostriches run at the speed of light, pigeons par trees, and pelicans, peacocks that love to dance. मंकीज जो रहते हैं वो लालच से इधर उधर उछल कूद करते हैं. मच्छर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हमको धीरे से काटते हैं. म्यांस और मुनिस जो है वो बर्ड्स रहते हैं जो क्रीप करते हैं, चीची करते हैं और बकबक करते हैं. नीलगाय जो है वो खेत में बड़ी लालच से खाते हैं. नाइजार जो है जिनका घोंसला देखना मुश्किल होता है. और उल्लू जो रहते हैं वो नाइट में जागते हैं. ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो रहते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की गति से भाग सकते हैं. पिजन्स पार्ट्रीज एंड पेरिकेन्स पिकॉक जो रहते हैं मोर, उनको डांस करना बहुत पसंद होता है. ठीक है. क्वीन बी एंड हर ड्रोन्स फ्लाई ऑल अराउंड. क्रोएल इज अ बर्ड दैट लीव्स ऑन द ग्राउंड. राइनो हैज अ हॉर्न एंड अ स्किन लाइक एन आर्मर. Rabbits and hares have big ears and soft fur. Spider cleverly weaves a wonderful web. Squirrel and sunbird make a soft nest. Turtle can swim and tortoise walk quite slow. Tigers too can swim and run fast when they go. Queen bee or उनके ड्रोन जो होते हैं वो चारों ओर उड़ते हैं. क्रॉइल एक बर्ड है, पक्षी है जो जमीन पर रहता है. राइनो का एक सिंग होता है और कवच की तरह त्वचा होती है. खरगोश के बड़े कान और मुलायम फर होते हैं. मकड़ी चतुराई से अपना वेब जाला बुनती है और गिलहरी और सनबर्ड एक नरम घोंसला बनाते हैं. कछुए तैर सकते हैं और कछुआ धीमी गति से चलता है. बाघ टाइगर्स मतलब बाघ जो है वो भी तैर सकते हैं और जब वे भागते हैं तो तेजी गति से भाग सकते हैं. अंडर द सॉइल क्रिएचर्स लाइव विदाउट लाइट. अर्थ वॉर्म्स टर्माइट्स एंड टीनी माइट्स. वाइपर्स अंडर द वाइंस स्विंग एंड स्लाइड हाई इन द स्काई. द वल्चर्स फ्लाइट. Wood pickers tap tap on the trees. Water hand wets through the reeds. Yak's woolly coat keeps it warm in snow. Zebra's coat has a design it likes to show. के नीचे जो है creatures बिना light के रहते हैं, जैसे earthworm, केचुए, termites, दीमक, mites. छोटे कण जो रहते हैं वो बिना लाइट के मिट्टी में रहते हैं. बेल जो रहते हैं वो झूलना और फिसलना पसंद करते हैं. ठीक है. आकाश में जो गिद्ध होते हैं वो फिसलना पसंद करते हैं. वुड पिकर जो होते हैं वो पेड़ पर अपनी चोंच से टैप टैप करते हैं. ठीक है. उसी तरह वाटर हैंड जो पक्षी रहता है वो वेट्स मतलब भैंस जो होती है उस पर उसी प्रकार टैप करता है. याक्स जो रहता है उनका जो रहता है वो वूली ऊनी कोट रहता है. ठीक है. जो उनको जब बर्फ वगैरह गिरती है तो उनको गर्म रखता है. और जो रहते हैं उनके कोट पर भी डिजाइन बनी रहती है. ये देखना पसंद है हम सभी को. ज़ेब्रा के ऊपर वो डिजाइन देखना पसंद है ना. ठीक है. थैंक यू.